हम देखेंगे कि जो इंटरनेट और वेब पे जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। तो अनसॉल्व्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है ये। नेम टू इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया। तो इसमें आप बीएसएनएल दे सकते हैं, आप एमटीएनएल दे सकते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक द बैक कमांड ऑन द वेब ब्राउजर। तो इसमें क्या होता है, जो पिछला वेब पेज आपने विजिट किया होगा वो आ जाता है। व्हाट इज अ मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आप जब अपने पीएसटीएन लाइन से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो पीएसटीएन लाइन जो होती है वो एनालॉग होती है। जो कंप्यूटर है वो डिजिटल समझता है, तो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होना चाहिए, उसके लिए आप मॉडेम यूज करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल एड्रेस एंड एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ इट। जैसे आपने कहा जैसे xyz एट द रेट ऑफ से gmail.com, तो आपने यहां पर जो अपना लिखा वो यूजर नेम हो गया, ये आपका होस्ट नेम हो गया एट द रेट ये होस्ट नेम। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जिसके हिसाब से नेटवर्क पे काम होगा, कम्युनिकेशन होगा। आपको टर्म एक्सप्लेन करना है HTTP और FTP। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के थ्रू इंटरनेट पे आप रिसोर्सेस या फिर डॉक्यूमेंट्स पा पाते हैं वेब सर्वर के थ्रू। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसमें एक FTP सर्वर से जो एक कंप्यूटर है वो डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है या रिक्वेस्ट करता है वो उसको मिलता है। तो देखिए इसका मैं इस तरीके से उत्तर बताता हूँ कि जो दो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो MTL BSNL है। जो आपने लास्ट पेज विजिट किया है वो वेब पेज आपका आएगा जब बैक करेंगे। मॉडम का मतलब है ऐसा डिवाइस जो ट्रांसमिट डेटा ट्रांसमिट करेगा नेटवर्क पे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एग्जांपल अगर आप इस तरीके से लिखे ईमेल का तो इसमें जो मेन पार्ट्स हैं, पहला ये है यूजर नेम, ये होता है होस्ट नेम। इसके बाद जो प्रोटोकॉल है वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होते हैं जिससे कंप्यूटर या फिर जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से नेटवर्क पे। फिर उसके बाद HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज एन ISP। ISP क्या होता है, नेम एनी वन ISP ऑफ इंडिया। तो ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा सब्सक्रिप्शन पे। कोई ISP बताइए, इसके लिए आप BSNL MTNL लिख सकते हैं, VSNL लिख सकते हैं। व्हाट हैपेंस ऑन क्लिकिंग द रिफ्रेश रीलोड कमांड ऑन द वेब ब्राउजर। रिफ्रेश रीलोड में वो जो वेब पेज आप देख रहे हैं वो दोबारा आ जाएगा रिफ्रेश होकर। जैसे आप अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो उसकी आपको आप जो स्कोर है वो देखना चाहते हैं तो रिफ्रेश करेंगे तो लेटेस्ट स्कोर आ जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेब एड्रेस एंड एन ईमेल एड्रेस विद एग्जांपल। वेब एड्रेस और ईमेल का भी मैं बताता हूँ आपको, इसको लेके चलता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस और हैं, इसमें उस क्वेश्चन को रिविजिट करूंगा, पहले ये देख लेते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको डिस्टिंग्विश करना है FTP और रिमोट लॉगिन में। FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिमोट लॉगिन मतलब कहीं और से आप किसी और सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल। अपलोड आप किस फाइल करते हैं ताकि किसी को दिखा सके या भेज सके। डाउनलोड ये कर सकते हैं कि आप अपने पास रखना चाहते हैं या फिर उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसका उत्तर देखिएगा, सबसे पहले ISP। ISP एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटरनेट एक्सेस देता है और आपके साइड से उसका सब्सक्रिप्शन लेता है। तो पॉपुलर ISP है MTNL है। वेब ब्राउजर रिलोड करता है वेब पेज को, उसी वेब पेज को दोबारा रिलोड कर देगा। जो वेब एड्रेस है, इसमें समझिएगा वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस में क्या अंतर होता है। वेब एड्रेस इंटरनेट पे एक इंटरनेट एड्रेस है वेबसाइट का, जबकि ईमेल एड्रेस है वो एड्रेस जहां पर ईमेल सेंड या रिसीव होगा। जो एग्जांपल है वेब एड्रेस का, जैसे http://www.google.com या co.in। ईमेल एड्रेस इस तरीके से, यूजर नेम होगा, यहां पर होस्ट नेम होगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP एक्रोनिम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, और जो बता रहा है ये नाम, इसका मतलब ये है कि आपको फाइल ट्रांसफर करना है इंटरनेट पे, उसके लिए ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फाइल को कई जगह पे एक नेटवर्क पे। जबकि रिमोट लॉगिन का मतलब ये है कि आप किसी रिमोट कंप्यूटर पे लॉगिन हो पा रहे हैं जो आपसे दूर रखा हो। अपलोडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक फाइल को भेज रहे हैं,
अपने सिस्टम से कहीं और। डाउनलोडिंग का मतलब यह है कहीं और है फाइल, आप उसको अपने सिस्टम पे लेके आ रहे हैं। हाउ वन कैन मूव फ्रॉम वन पेज वन वेब पेज टू अनदर ऑन वेबसाइट, तो उसके लिए आपके पास नेक्स्ट बटन होता है। डिफाइन होम पेज, होम पेज जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो index.html खुलती है जो उसकी बेस पेज होता है, होम पेज खुलता है। एडवांटेजेस क्या है होम पेज के, इसके बहुत सारे एडवांटेज है। पहली चीज तो ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है आपको, इसमें लिंक होते हैं जो आपको रिडायरेक्ट करते हैं कई जगह पे, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस। व्हाट इज HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किस लिए जरूरत होती है इसके लिए, ये इसलिए जरूरत होती है कि आपको वेब पे इंटरनेट पे आपको वेब पेजेस चाहिए, वेबसाइट देखनी है, तो वेब सर्वर से कैसे आएगी, इस प्रोटोकॉल के थ्रू आएगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन का पर्पस क्या होता है, आपको कोई भी आप इसमें क्राइटेरिया देंगे उस हिसाब से आपको ये सर्च देगा, यानी कि आपको रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक बटन ऑन द वेब पेज, अब आपने पिछला आपके पास कोई वेब पेज है, आप कहीं से आए यहाँ पर, अब आपको देखना है आप कहाँ से आए, तो बैक करेंगे तो पिछले पेज पे ले जाएगा। तो आप जो वेब पेज है उससे हाइपरलिंक के थ्रू एक दूसरी जगह पे जा सकते हैं। जो होम पेज होता है वो मेन पेज होता है वेबसाइट का। जो एडवांटेज है होम पेज के कि होम पेज कंटेंट ये आपको हमेशा अवेलेबल रहता है, यानी 24/7। होम पेज में और भी एप्लीकेशन हो सकती है जो आप यूज कर सकते हैं। ऐसी HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आप वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं वेब सर्वर से इंटरनेट के थ्रू तो आपको HTTP प्रोटोकॉल लगेगा। जो सर्च इंजन है वो सर्च करता है इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन यूजर दे रहा है और डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। जो पर्पस है बैक बटन का उसका मतलब ये है कि जो लास्ट पेज आपने विजिट किया है उस वेबसाइट का उस पे आपको ले जाता है। व्हाई इज ईमेल सो पॉपुलर ओवर कॉन्वेंशनल ईमेल, क्योंकि इससे समय बचता है, टाइम बचता है, एक क्लिक पे चीजें चली जाती है, आप एडिट कर सकते हैं, आपके पास लग्जरी है कि आप रात को भेज सकते हैं, दिन को भेज सकते हैं, इसमें अटैचमेंट आप भेज सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके। Why do we use a web browser? वेब ब्राउजर क्यों यूज करते हैं, वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, या फिर वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसके थ्रू आप वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। गिव द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो और भी है, टर्म क्या होता है, टेलनेट। टेलनेट से क्या करते हैं आप, रिमोट लॉग इन लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपलोडिंग अ फाइल, आप अपने सिस्टम से कहीं और फाइल भेजना चाहते हैं तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर अभी बताएंगे। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब ये है कि एक वर्चुअल मीटिंग आप कर सकते हैं, पूरे ग्लोब में कहीं भी लोग बैठे हैं आपस में एक नॉर्मल मीटिंग कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। सर्च इंजन एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने सर्च क्राइटेरिया या वर्ड्स या कीवर्ड्स के हिसाब से चीजों को सर्च कर सकते हैं। तो ईमेल बहुत पॉपुलर है कॉन्वेंशनल के हिसाब से, क्योंकि आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं अपने कंफर्ट पे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। हम वेब ब्राउजर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंटरनेट से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसी टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो आपको अलाउ करता है रिमोटली आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी और सिस्टम पर। जब हम फाइल कॉपी करते हैं कंप्यूटर से एक रिमोट कंप्यूटर पे, इसे कहते हैं अपलोडिंग अ फाइल। फाइल जिला जैसे सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है जो आपको अपलोडिंग के लिए अलाउ करते हैं या आपको फैसिलिटेट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है, या इसे कहेंगे कि ये ग्रुपवेयर है, जिसमें आप एक साथ रिमोट टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं, एक साथ बहुत सारे रिमोट टर्मिनल से कनेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे एक मीटिंग चल रही है। सर्च इंजन सर्च करता है इंटरनेट पे जो यूजर चाहता है, उस कंटेंट को टाइप करता है यूजर, सर्च करता है तो उसके हिसाब से जो बैकग्राउंड में एल्गोरिथम चल रहे हैं, रैंकिंग एल्गोरिथम, रेलिवेंस एल्गोरिथम, इंडेक्सिंग चल रही है, वेब क्रॉलिंग चल रही है, उसके रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं।